आज हम आपको 80 घाट के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए आपको 80 घाट पे लेके चलते हैं, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव आज आपको 80 घाट के बारे में बताएंगे। और ये देखिए बैकग्राउंड में 80 घाट। 80 घाट का ये मुख्य रोड है, यहाँ सीधे आप जाएंगे तो 80 घाट पहुँच जाएंगे। ये गली दिया गया हुआ है, यहाँ पत्थर की मूर्ति मिलती है, सारे पेंटिंग बनाए गए हैं। आज संडे है, इस वजह से यहाँ पुलिस लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा 80 घाट। बनारस का 80 घाट काशी के 5 तीर्थों में से एक है। यह घाट सुबह बनारस के नाम के लिए भी जाना जाता है, जहाँ हर सुबह योग कला और सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है। इस घाट पर कभी गंगा नदी में 80 नदी आकर मिलती थी, जिस कारण इसका नाम 80 घाट हुआ। इस घाट पर अब प्रमुख दो मंदिर है, एक जगन्नाथ मंदिर और दूसरा 80 संगमेश्वर मंदिर। 80 घाट गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद यहाँ ही अपनी तलवार को फेंका था। यह राक्षस बहुत ही भयानक था। माना जाता है कि तलवार जिस स्थान पर गिरी वहाँ से 80 नदी क्षेत्र शुरू हो जाता है। इस घाट का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों, पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, काशी कांड और पद्म पुराण आदि में मिलता है। काशी का यह वही 80 घाट है जहाँ मशहूर भारतीय कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की थी। इस घाट पर शिवरात्रि, देव दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर लगभग 22,000 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ प्रत्येक शाम 7 बजे से आरती की स्टार्ट होती है। कई श्रद्धालु आरती देखने के लिए नौका को प्राथमिकता देते हैं। प्रसिद्ध घाटों में से एक ये घाट 80 घाट भी है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज ये सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।